नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की सिविल सेवा समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को देश की राजधानी में एक ही छत के नीचे हॉस्टल, लाइब्रेरी व सुविधा केंद्र उपलब्ध होगा। राजस्थान सरकार जल्द ही उदयपुर हाउस में नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण शुरू करवाने जा रही है, जिसकी लागत करीब 256.91 करोड़ रुपए है। राजस्थान से बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली आते हैं। इन्हें महंगे किराए पर कमरे लेकर रहना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने युवाओं की समस्या की ओर ध्यान देकर युवा हॉस्टल बनाने का निर्णय किया। इस हॉस्टल का निर्माण दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से सटे हुए इलाके राजपुर रोड स्थित उदयपुर हाउस से करीब 9027 वर्ग मीटर के भूखंड पर करवाया जाएगा। इसमें 250 युवा और 250 युवतियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाया जाएगा। बीकानेर जिले के लूणकरनसर के हरियासर बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लूणकरनसर के हरियासर में बाइक पर जा रहे 2 दोस्तों की टक्कर सामने से आ रहे तेल से भरे टैंकर से हो गई, जिसमें युवक बुद्धराम गवारिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक 17 वर्षीय खादिम खान को PBM अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बुद्धराम गवारिया अपनी 4 बहनों में इकलौता भाई था। अपने घर के अधिकांश काम वो ही करता था। उसकी मौत के बाद में घर में मातम छाया हुआ है। उसके दोस्त खादिम खान की मौत होने के बाद बडेरन गांव में ही शोक की लहर है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत अलग अलग सब्जेक्ट के 1913 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। 21 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आज से 25 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 1913 पदों के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा। टेस्ट में सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को और इंटरव्यू के बाद मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के पास 55% के साथ MA की डिग्री होनी चाहिए। वहीं उनका UGC नेट या CSIR नेट क्लियर किया हुआ होना जरूरी है। अजमेर में बहन के ससुराल में जीजा धन्नालाल के शव को लेकर पहुंचे साले की हत्या के आरोप में भिनाई थाना पुलिस ने मृतक धन्नालाल की मां, भाई व एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया है। धन्नालाल के मर्डर की आशंका में साले गोविंद की हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया, 24 जून को समुद्रा पत्नी गोविंद बागरिया निवासी भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी कि 23 जून को ग्राम अरवड़ में समाज की पंचायती में वह और पति गोविंद गए थे। वह नंदोई बाबूलाल धन्नालाल व ननद गुलाबी प्रेम आए थे। नंदोई धन्नालाल की तबीयत खराब होने से हमने अस्पताल में भर्ती करवाया। वह घर आकर खाना खाकर सो गए थे। रात को धन्नालाल की मृत्यु हो गई थी। हम लोग तेजू माली की प्राइवेट कार में बैठकर देवलिया कला से इंदिरा को बैठा कर बड़ली पहुंचे तो धन्नालाल के परिवार वालों ने एक राय होकर लाठियां कुल्हाड़ी से पति गोविंद व नंदोई बाबूलाल के साथ मारपीट की, जिससे पति गोविंद बागरिया निवासी इंटरिया की मृत्यु हो गई। पुलिस ने 45 वर्षीय राधा किशन, 65 वर्षीय रुकमा व 37 वर्षीय सोनिया को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और नरेगा की तर्ज पर अब मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के लोक कलाकारों को 100 दिवस का कला प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। इससे लोक कलाओं के प्रदर्शन से लोक कलाकारों के लिए रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। योजना के संचालन के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जल्दी लोक कलाकारों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा। लोक कला और लोक कलाकारों को संरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देने का रास्ता निकाला है। कला साहित्य मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोक कला का सम्मान करती है। ऐसे में लोक कलाकारों को स्थानीय क्षेत्रों में 100 दिन के कला प्रदर्शन का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। ये योजना CM अशोक गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में कांस्टेबल के खिलाफ एक महिला द्वारा लगे दुष्कर्म के आरोपी मावली थाने के कांस्टेबल को SP भुवन भूषण यादव ने सस्पेंड कर दिया है। पीड़िता ने उससे कागजों पर लिखा पढ़ी करवा
उसके नोटरी करने और झूठी शादी कर उससे दुष्कर्म करने के बाद ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने न्यायालय में धारा 164 के बयान हो चुके हैं, जिसमें उसने कांस्टेबल पर लगाए आरोपों को दोहराया है। ऐसे में अब आरोपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 26 मई को आरोपी कांस्टेबल दिनेश कुमार बैरवा निवासी पाउसड़ा थानेसरा अलवर उसके घर आया और उससे दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने पूर्व में खींचे फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया। लॉकडाउन के दौरान आरोपी कांस्टेबल दिनेश कुमार ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर के 6000 पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न विषयों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग के लिए आयोग ने 100 काउंटरों पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचने की व्यवस्था की। आयोग द्वारा पहले चरण में कुल 15 विषयों की काउंसलिंग 28 जुलाई तक की जाएगी। औसतन 300 अभ्यर्थियों की प्रतिदिन काउंसलिंग का शेड्यूल तैयार किया गया है। आयोग द्वारा प्रत्येक टेबल पर 5 कार्मिक लगाए गए हैं, इनमें से 3 शिक्षा विभाग से और 2 आयोग से हैं। हर काउंटर पर 2 सत्रों में 15-15 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच हो रही है, यानी 150 अभ्यर्थियों की सुबह और इतने ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच दोपहर में हो रही है। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अलवर जिले में दिल्ली के एक व्यवसायी और राज सॉल्वैक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक की दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। बदकिस्मती से कार में आग लग गई और व्यवसायी 33 वर्षीय राजन गुप्ता निवासी मॉडल टाउन दिल्ली की मौत हो गई। हादसा नौगावा थाना क्षेत्र के एक इलाके में हुआ। कार में मौजूद व्यवसायी का साथी तुलसीराम भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अलवर के जिला अस्पताल से जयपुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया। ESI महेंद्र कुमार ने बताया कि संभवतः ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने के प्रयास में कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के कोटड़ा में खेत पर काम कर रहे 2 लोग करंट के चपेट में आ गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि खेत में बिजली का तार टूटा पड़ा था, जिसे हटाते वक्त करंट लगा है। हादसा मालवा का चोरा के नाडियाफला में हुआ। जानकारी के अनुसार मानाराम और नेताराम खेतों पर काम करने गए थे। वहां बारिश और तेज हवा के कारण बिजली के तार जमीन पर नीचे पड़े थे। दोनों ने तार को हटाने का प्रयास किया, तार में करंट था, जिससे वे करंट के चपेट में आ गए। करंट के लगने से मानाराम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि नेताराम गंभीर जख्मी हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र के टिम्बा गामड़ी सड़क मार्ग पर डंपर के चपेट में आने से बाइक सवार युवक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से शवों को मोर्चरी में रखवाया। बाइक चालक मृतक युवक विकास यादव निवासी छींच, नीलम यादव निवासी खांदू कॉलोनी के बताए जा रहे हैं। खटोल पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। विकास शादीशुदा था, युवती नीलम की शादी भी खींच गाँव में ही करवाई जाना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल की जा रही है। अजमेर के आदर्शनगर थाना क्षेत्र के एक सुने मकान से 5 लाख के जेवरात व नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता जब वापस लौटी तो मकान के ताले टूटे हुए मिले और सामान बिखरा पड़ा मिला। न्यू अर्जुनलाल सेठी नगर आदर्शनगर अजमेर निवासी अनीता गंगवार ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह मकान के ताला लगाकर आदर्शनगर भाई के घर पर गई थी। दूसरे दिन जब वापस लौटी तो मकान और 2 अलमारियों के ताले टूटे हुए मिले, जिनमें रखे सामान 5 जोड़ी सोने के कुंडल तथा 2 अंगूठी, सोने की कुल सोने का वजन करीब 5 तोला व चांदी की 2 जोड़ी पैजेब, कड़े करीब 25 सिक्के व 10,000 नगद व 50 महंगी साड़ियां ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।